ईवीएम के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे रुक करते हैं। के अंदर एक चिप है, चिप के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर को बदला जा सकता है। हमारा जोश बहुत छोटी चीज है, अब तो सबसे बड़ी चीज हो गई है देश के लोकतंत्र को बचाना। जब हम कहते हैं हम लोकतंत्र है, हम अपने राजा को चुनते हैं, हम अपने लोगों को, नुमाइंदों को चुनते हैं, हम तो अब पिछले दो दिन से मैं जहां भी सभाओं में जा रहा हूं, गली गली में घूम रहा हूं, लोग एक ही चीज पूछ रहे हैं, जी वोट देने जाएं, वोट देने जाएं, हमारा वोट काउंट होगा। अब लोगों के मन में अगर इतने वाइड स्प्रेड शंका पैदा हो गई, वेयर इज इंडियन डेमोक्रेसी? ये केवल मेरी बात नहीं है, केजरीवाल की बात नहीं है, हम सब लोगों को सोचना पड़ेगा। अभी पोस्टपोन, लेकिन पेपर बैलेट पे तो होना चाहिए, और अगर पेपर बैलेट पे करने के लिए इसको पोस्टपोन करने की जरूरत पड़े तो होना चाहिए पोस्टपोन, कानून के अंदर प्रावधान है, इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। अगर पेपर बैलेट, ये कहते हैं टाइम नहीं है, पेपर बैलेट पे करने के लिए अगर टाइम की जरूरत है तो टाइम के लिए पोस्टपोन करने की जरूरत करना चाहिए। थैंक यू। सीएम अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा वो उठाते हुए, इसके पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों से वो मुलाकात कर चुके हैं, अपनी जो उनकी बातें हैं वो रख भी चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से उन्हें भरोसा दिया गया था कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर से उठाते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।